अखिल के नाम का 28 साल का लड़का आज साहित्य का सितारा बन चुका है। आपको ये कहानी दिलचस्प लग रही होगी, लेकिन नहीं, ये कहानी संघर्षों की है। सुबह में हॉकर, फिर जेसीबी ड्राइवर और एक खनन मजदूर की कहानी है, जिसे केरल का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार दिया गया है। अखिल को नीला चदयन के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। एक असाधारण युवा की कहानी ने सबको झकझोर दिया है। अखिल पढ़ना चाहता था, लेकिन तंगी ऐसी थी कि पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 12वीं तक पढ़ाई की, फिर कई तरह के काम करने लगा। अखिल की माँ भी दिहाड़ी मजदूर है। अखिल अपने कामों में खुद को घंटों अकेले पाता था। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए अखिल ने लिखना शुरू कर दिया। अपनी कहानी में लोगों के अनुभवों को शामिल किया। नीला चदयन नाम के शीर्षक को केरल के इडुक्की जिले में पाए जाने वाले भांग से लिया गया है। इस किताब में कलाकारों की कठिनाइयों को बताया गया है। करीब 4 साल अखिल को कोई प्रकाशक नहीं मिला, लेकिन अखिल ने भी हार नहीं मानी। किसी तरह 20,000 रुपए जुटाकर किताब की ऑनलाइन बिक्री शुरू करवाई। अखिल को पहचान तब मिली जब एक दिन अचानक एक स्क्रीन राइटर बिपिन चंद्रन ने फेसबुक पर किताब की तारीफ की। उसके बाद लोग बुक स्टोर पर किताब की मांग करने लगे। तब जाकर प्रकाशक भी आ गए और किताब भी छपने लगी। अब तक इस किताब के 8 संस्करण छप चुके हैं। अखिल ने कहा कि ये किताब उनकी तरह अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत होगा। इस किताब के अलावा अखिल ने स्टोरी ऑफ लायन 1 और तारा कंठन जैसी किताबें भी लिखी है। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।